जय श्री कृष्ण दोस्तों, अ डॉग इज अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रस्ट मी, डॉज कॉइन ये इंसान का इस समय का सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। क्यों? वेल, क्योंकि इलॉन मस्क उसको अपना सबसे अच्छा दोस्त मान रहा है, मार्क क्यूबन एक बिलियनियर उसको अपना सच्चा दोस्त मान रहा है, और मैंने खुद ने पिछले दो दिन में लाख्स ऑफ रुपीस कमाए थ्रू डॉज कॉइन। कैसे? स्टे ट्यून्ड टिल एंड ऑफ द वीडियो। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हाल ही में डॉज कॉइन क्रिप्टो करेंसीज को लेकर आपने बहुत सारा न्यूज देखा होगा, होपफुली बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स पे देखे होंगे कि यू नो डॉज कॉइन को खरीदो या फिर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है, इथेरियम ऊपर जा रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट, क्या क्रिप्टो करेंसीज में सच में इन्वेस्ट करना चाहिए? आज के वीडियो में मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ ऑन क्रिप्टो करेंसीज एंड हाउ आई हैव मैनेज्ड माय पर्सनल फाइनेंस ओवर द लास्ट few years and how I have managed to grow exponentially. Obviously, मैंने बहुत सारे books पढ़े हैं, psychology of money हो, rich dad poor dad हो, और ऐसा नहीं कि एक बार कहीं बार, and साथ में मेरे खुद के एक wealth management mentor है जो multi-millionaire है, और उनसे सीख कर और अपने books का knowledge and obviously fundamentals जिसका video मैंने पिछले हफ्ते बनाया था on from Bhagavad Gita, इन सब का एक consolidated mixture is how I plan my finance. और आज के वीडियो में मैं चाहता हूं कि आप सब इस एक्सपीरियंस को यूज करें, ऑब्वियसली आपका खुद का रिसर्च भी करें, एंड देन प्लीज डू प्लान योर फाइनेंस अकॉर्डिंगली। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो दोस्तों, कुछ बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहले जो मैं हर वीडियो में कहता हूं, जब भी मैं फाइनेंस का वीडियो बनाता हूं, कि द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू हैव इज एन इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए, आपके फैमिली के लिए। The second is a life insurance and it has to be a term insurance, और कोई भी insurance नहीं लेना है। जैसे मैंने कहा था कि आज के वीडियो में मेरे को थियरी नहीं बतानी है, मुझे कुछ प्रैक्टिकल solutions बताने हैं कि मैंने अपने ये जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन को मैं निकालता हूँ उसको कहाँ कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग आई डू इज अराउंड 30-35% मैं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, वो भी डायरेक्टली। लेकिन हाँ, मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ प्रोफेशनल, तो मैं यूजुअली लार्ज कैप जो कि यू नो L&T हो गया या रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इंडियन स्टॉक्स हो गए, या फिर US में हो तो Facebook, Google, Apple, so on and so forth, जो कि मुझे पता है कि ये कंपनीज मोस्ट लाइकली तो डूबने नहीं वाले हैं, और इनको मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मतलब मैं सिर्फ मंथली एक डेट पर SIP की तरह इन्वेस्ट करता हूँ, एंड देन आई जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, एंड द नेक्स्ट मंथ अगेन आई इन्वेस्ट द सेम पोर्शन एंड फॉरगेट अबाउट इट। मैं ये कभी नहीं देखता कि क्या वो ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, सेल करना है, बिल्कुल भी नहीं। इट इज अ SIP विच आई एम नॉट गोना टच। क्यों? मेरा पहला वीडियो फिर देख लेना कि SIP क्यों इंपॉर्टेंट है, और वो भी फ्रॉम द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस। द सेकेंड थिंग आई डू इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में भी मैं सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करता हूँ। क्यों? क्योंकि फिलहाल मैं यू नो 30s में हूँ और काफी टाइम है कि मैं कमा सकता हूँ, तो इतना रिस्क लेने का एपेटाइट है। लेकिन अगर आप 40s में हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि कोई डेट इन्वेस्टमेंट लो और एक मिक्सचर ऑफ पोर्टफोलियो बनाओ। अगर ये सारे टर्मिनोलॉजीज यू नो इक्विटी, डेट, मिड कैप, बैलेंस फंड, फोकस फंड, इमर्जिंग फंड, so on and so forth, अगर आपके लिए नए हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप किसी फाइनेंशियल प्लानर को ढूंढो। लेट्स गो टू द नेक्स्ट थिंग, द थर्ड थिंग, एंड रिमेंबर हमें क्रिप्टो करेंसी तक पहुंचना है। ठीक है, तो 40% स्टॉक्स हो गया, 40% रफली आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। अब बचते हैं 20%। इन 20% में से जो 10% है वो मैं यूजुअली एक गारंटेड सोर्स ऑफ रिटर्न्स में डालता हूं, एंड यू नो टिपिकली I do it into, let's say, bonds. क्यों? क्योंकि मैं already market में 80% डाल रहा हूँ, तो थोड़ी तो guarantee कहीं होनी चाहिए कि कल को market पूरी तरह collapse हो जाए, और उसके लिए मैं bonds या फिर you know at times debt funds में भी you know invest करता हूँ। जो बचे 10% है, उनको मैं ऐसे imagine करता हूँ कि वो मेरे कभी income के part ही नहीं थे, और वो एक ऐसा portion है जो अगर खो भी जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन पैसों मैं क्रिप्टोज में डालता हूं, एंड दैट इज द फंडामेंटल एंड द गोल्डन रूल टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसीज। यू शुड ओनली इन्वेस्ट व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज विदाउट इवन हैविंग अ सेकंड थॉट। इसके लिए बिफोर मैं ये बताऊं कि अगर आपका अगला सवाल ये होगा कि कपिल तू कौन से क्रिप्टोज में डालते हैं और तूने कैसे कमाए,
तो अगर इसका आंसर चाहिए तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज अगर अभी तक आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना। नाउ बिफोर वी गो इनटू एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑन क्रिप्टोस, मैं आपको दो पॉइंट्स पढ़ के दिखाने वाला हूँ फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों ये पॉइंट्स मैंने इनफैक्ट हाईलाइट करके रखे हैं और मैं चाहूंगा कि इसका इमेज मैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी डालू @bookgyan। तो प्लीज अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहां पे भी जरूर फॉलो करना। लेकिन अभी के लिए मैं आपको दो पॉइंट्स पढ़ के दिखाने वाला हूँ फ्रॉम द बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो लेट्स अंडरस्टैंड टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम दिस बुक। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर नेवर इनफ। एक सेंटेंस है या एक प्रिंसिपल है, देयर आर मेनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। सो एसेंशियली ऑथर बता रहे कि ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनमें रिस्क लेना कभी भी वर्थ नहीं होता, भले कितना भी फायदा हो। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड गोल्डन रूल है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी इतना रिटर्न्स इसलिए देता है क्योंकि उतना रिस्क इन्वॉल्व है। सुना दूसरा पॉइंट अगेन फ्रॉम द सेम बुक, सोशल कंपैरिजन इज द प्रॉब्लम हियर। अब इसका मतलब समझते हैं। अगर आपके दोस्त ने डॉज कॉइन खरीदा है, आपके दोस्त ने लाइट कॉइन खरीदा है, इथेरियम खरीदा है, जो भी कितने, देयर आर 6700 क्रिप्टो करेंसीज बाय द वे इन द मार्केट टुडे। अगर सिर्फ कोई और खरीद रहा है इसलिए आप खरीदने वाले हो तो प्लीज ये गलती मत करना। आप बिल्कुल क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट मत करना। यू मे हैम्पर यूर पर्सनल यू नो फाइनेंस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूर पीस ऑफ माइंड, क्योंकि क्रिप्टोज में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका पीस ऑफ माइंड बहुत अफेक्ट हो सकता है। बट नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैंने लैक्स ऑफ रुपीज कैसे कमाए। सो दोस्तों लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। मेरे ये जो पैसे थे ये वो पैसे थे जिनको खो जाने पर मुझे इतना इफेक्ट नहीं होने वाला था, तो उन्हीं पोर्शन को मैंने डिसाइड किया कि चलो क्रिप्टोज में डालते हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फॉलोइंग द ट्रेंड। तो मैंने देखा कि इलॉन मस्क ट्वीट कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप ये सब फॉलो कर रहे हो तभी आप इन सब में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। मार्क क्यूबन इसकी बातें कर रहा था। There are a lot of things that's happening around the celebrities of Hollywood with this coin. और फिर मैंने decide किया for an experiment कि ये सारा पैसा मैं Dogecoin में डाल दूंगा। And literally दो या तीन दिन में मैंने इतना returns पाया, लेकिन वो इतना bubble लग रहा था मुझे कि मैंने सब कुछ आज sell कर दिया। और चाहूँ तो मैं वापस invest कर दूंगा, लेकिन बताने की बात ये थी कि दोस्तों मैंने वही portion डाला जिसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो loss भी होता तो। एंड क्योंकि इतने एक्सपोनेंशियली वो ग्रो हो गया बिकॉज ऑफ द रिसर्च दैट आई हैड डन, तो उसका मुझे फायदा हुआ। लेकिन मैंने एक प्लेज लिया था कि जो भी पैसा मैं इस क्रिप्टो करेंसी के सेल करने से कमाऊंगा वो मैं राहुल भटनागर के एक इनिशिएटिव को डोनेट करने वाला हूं जो कोविड के अगेंस्ट इंडिया के लिए फाइट करने वाले हैं। और ये प्लेज मैंने ऑलरेडी फेसबुक पे बोल दिया था, एंड आई एम गोना डू इट, सो दैट वी हैव अंडरस्टूड पर्सनल फाइनेंस एट अ वेरी हाई लेवल। आपका सवाल होगा कि क्रिप्टोज में फिर पैसे डाले या नहीं डाले, और अगर डालना है तो कौन से। सो देखो कौन से क्रिप्टो करेंसीज में डालना है, इसके लिए आपको यूट्यूब पे तो बहुत वीडियोस मिल जाएंगे और मैं बोलूंगा कि उसको अच्छे से यू नो एनालाइज करके ही फॉलो करना अगर आप ऑलरेडी किसी चैनल को फॉलो कर रहे हो तो। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि एंश्योर करो कि एक क्रिप्टो करेंसी के पीछे उनका जो एजेंडा है, उनका जो टेक्नोलॉजी है, वो किस चीज को लेकर है। आर दे बिल्डिंग समथिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? इफ दे आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी दैट्स गोना सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द लॉन्ग टर्म, देन यू शुड इन्वेस्ट इन दैट क्रिप्टो करेंसीज। मैं नाम तो डेफिनेटली किसी क्रिप्टो करेंसी का नहीं ले सकता क्योंकि कल को अगर कुछ लॉस हो गया तो सबसे पहले बुक ज्ञान चैनल को आप ढूंढते हुए आओगे, एंड मोस्ट लाइकली आप अनसब्सक्राइब कर दोगे, जो मैं नहीं चाहूंगा। उसे याद आया, तो प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए। लेकिन हाँ मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि मैंने एक काइंड ऑफ एक एल्गोरिदम क्रैक किया है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो दोस्तों क्या करना कि अगर आपके पास टाइम है क्रिप्टो करेंसीज को ट्रैक करने को, तो एंश्योर करो कि आप कोई 5 कॉइन्स को अच्छे से ट्रैक करो ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड व्हेन आई से रेगुलर, लिटरली 2-3 घंटा इन अ डे, और वो भी ऐसा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। मतलब मेरे घर पे तो एक मॉनिटर ही था जिसपे मैं डॉज को ट्रैक कर रहा था। और एंश्योर करो कि इस मूवमेंट को आप
देख रहे हो कि कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है। जैसे मैंने ऑब्जर्व किया कि दिन के बिगिनिंग में काफी ऊपर जा रहा था डॉज कॉइन, या फिर लेट्स से आज की एग्जांपल बात करूं, मैं ये वीडियो जब शूट कर रहा हूं तो 5th मई है, अब चाहिए तो बाद में वेरीफाई कर देना ये वीडियो जिस दिन मैं पब्लिश करूंगा। तो 5th मई को जो इथेरियम क्लासिक था सुबह तक वो 109-110 डॉलर्स पे था, एंड आई डेफिनेटली न्यू इट्स गोना फॉल डाउन। मैंने मेरे वर्क के साथ कंपेंट भी कर दिया था इस पॉइंट को लेकर, और शाम होते होते वो 90 डॉलर्स तक आ गया था। Now, why did I know it's gonna fall? It's because मैंने पिछले 2 महीने में उसका ट्रेंड स्टडी किया, and I have always noticed that towards the end of the day, एक क्रिप्टो बहुत बढ़ने के बाद गिरता ही गिरता है, and ये ट्रेंड्स आपको भी ऑब्जर्व करने होंगे, and then you can decide कि अब इसमें डालना है या नहीं। तो most likely 6th मई को the first coin that I will be tracking will be Ethereum Classic, और जैसे ही वो ऊपर जाने की तरफ स्पाइक करने लगा होगा, मैं अपना सारा पैसा उसमें डाल दूंगा और थोड़ा सा ऊपर जाके ही मैं वापस निकालूंगा। ये डे ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो तो फिर बिटकॉइन, इथेरियम, इसमें मंथली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा चंक्स डिपॉजिट करना शुरू कर दो। हो सकता है ये ग्रो हो, नहीं तो मोस्ट लाइकली कोई नहीं, कोई बात नहीं, हम वैसे भी वही पैसा डाल रहे जो कॉम्प्रोमाइज होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ द लास्ट थिंग दोस्तों, 1990s में जब इक्विटी शुरू हुआ था, स्टॉक मार्केट शुरू हुआ था, तो लोग उसको गैम्बलिंग बोलते थे, एंड एग्जैक्टली आज क्रिप्टो करेंसी को लोग गैम्बलिंग बोलते हैं। व्हाई? द रीजन इज क्योंकि 1990s में स्टॉक मार्केट किसी को समझ में ही नहीं आता था, एंड आज के जमाने में किसी को क्रिप्टो करेंसी समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी कि मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल में क्रिप्टो एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाला है। द अर्ली यू गेट इनटू इट द बेटर इट इज, लेकिन ओनली एंड ओनली इफ यू आर गोना ट्रैक इट द वे आई जस्ट टोल्ड यू एंड सी द मैजिक। सो नाउ वन लास्ट थिंग बिफोर वी एंड दिस वीडियो, दोस्तों इस दुनिया में कोई भी इंसान अमीर डे ट्रेडिंग करके नहीं बना है। व्हाट आई मीन बाय दैट, अगर आज आप 100 रुपए के 1000 रुपए बना पाए हो और कल को 1000 के 10,000 बना पा रहे हो और परसों उसको बेच रहे हो, अब कभी अमीर नहीं बनोगे। डे ट्रेडिंग से आज तक हिंदुस्तान या दुनिया में कोई अमीर नहीं बना है, और जो बने हैं वो कुछ ही सालों में फिर से गरीब बन गए हैं, क्योंकि उन्हें वेल्थ मैनेज कैसे करना ये पता ही नहीं होता है। और दोस्तों ये स्टैटिस्टिक्स है और ये रिटायर्ड पुअर डैड में भी बोला गया है, एंड इसीलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं कि प्लीज शॉर्ट टर्म गेन के लिए लॉन्ग टर्म चीजों का कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। पहले अपने बेसिक्स ऑफ फाइनेंस को प्लान कीजिए, एक फाइनेंशियल अच्छे से प्लानर को ढूंढिए, एंड देन व्हेन टाइम परमिट्स देन यू गो इनटू क्रिप्टोस। ओके, सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप चाहते हो कि और किसी टॉपिक को डिटेल में करूं कि क्रिप्टो करेंसीज में रियल में एक्चुअल में जाके इन्वेस्ट कैसे करते हैं, कैसे ट्रैकिंग करते हैं, तो मैं अगली बार एक स्क्रीन शेयर वीडियो बना के मे बी जूम पे या कुछ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना। यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन हाउ आई यू नो काइंड ऑफ स्टिल यू नो डिप डाइव इनटू ऑल द अल्टरनेट क्रिप्टो करेंसीज, या फिर हाउ आई अंडरस्टैंड कि इस म्यूचुअल फंड्स में डालना है, ये स्टॉक्स खरीदने हैं, यू नो ऐसे और भी डिटेल में कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट, फील फ्री टू कनेक्ट। मोस्ट ऑफ यू मे हैव यू नो माय व्हाट्सएप डिटेल्स, मैं इंस्टाग्राम पे तो डेफिनेटली अवेलेबल हूँ, मैसेज कीजिए, एंड आई ट्राई माय बेस्ट टू गाइड ईच ऑफ यू। थैंक यू, एंड आई होप दैट यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। जय श्री कृष्ण।